तो लेंस के बारे में समझते हैं, लेंस क्या होता है। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो टू स्फेरिकल सरफेस से घिरा हुआ होता है। क्या दो ऐसा लेंस एक मटेरियल होता है जो क्या करता है, दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा रहता है, या फिर क्या हो सकता है, एक तरफ से घिरा हो सकता है स्फेरिकल, दूसरी तरफ क्या हो सकता है प्लेन। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट बाउंड्स बाई टू स्फेरिकल सरफेस और वन सरफेस और वन प्लेन फॉर्म लेंस। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो दो तरफ से क्या करता है, वो दो तरफ से स्फेरिकल सरफेस से घिरा रहता है, या फिर एक तरफ प्लेन होगा एक तरफ क्या होगा सरफेस होता है। तो ऐसे मटेरियल को ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल को बोल सकते हैं हम लोग लेंस। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन से आपके आते हैं, ग्लास आता है, वाटर आ सकता है, ठीक है, वैक्यूम। तो इस तरह से अगर कोई सरफेस अगर ऐसा है जहाँ पर क्या हो सकता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिस पर एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि वाटर है ना, लिक्विड, जैसे वाटर हो गया है, केरोसिन, डायमंड और वाटर, ग्लास, ये सब क्या है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो कांच, ग्लास किसका, लेंस किसका बन सकता है, ग्लास का बन सकता है, वाटर का बन सकता है। क्या कंडीशन क्या है, वो स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। अब जरूरी नहीं इस तरह से हो, तो लेंस को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। क्या अंतर है दोनों में समझते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या करते हैं कि ऐसा लेंस जिसमें आउटसाइड कैसा हो, उभरा हुआ, बल्जिंग आउटवाइड, ठीक है, इस तरह से, जिसमें क्या हो, बल्जिंग हो, उभरा हुआ, जो लेंस बाहर से उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो लेंस कर्व्ड होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, उसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये क्या है कॉनकेव, ये क्या है कॉन्वेक्स। तो अ लेंस विच हैज बल्जिंग आउटवर्ड इज कॉल्ड एज ए कॉन्वेक्स लेंस, इज सेट टू बी कॉन्केव लेंस विच इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड एज ए कॉन्केव लेंस। तो ये होते हैं बेसिक्स, क्या होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो इनकी कुछ डेफिनेशन हैं छोटी छोटी सी, उनको हम समझाएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे जिसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर अपर्चर और फोकल लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। इसमें कहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस, उसको डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है। ये कोई डायग्राम दे रखा किसका, ये कौन सा हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका ये एक सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, तो इसका जो सेंटर होता है इस वाले का C1, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2। C1 होता है इस सरफेस का, C2 किसका होता है इस सरफेस का, बस समझ में आई। ऐसे इसमें कॉनकेव लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये लेंस है कॉनकेव। तो इसमें C1 की सरफेस का है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और C2 क्या है इसका। तो डेफिनेशन हो जाएगी सेंटर कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज पार्ट, जिस स्फीयर का सरफेस का लेंस पार्ट होता है उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर कर्वेचर, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ स्फीयर विच इज लेंस इज पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाई
C1 एंड C2। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं C1 एंड C2, इसके लिए C1, इसके लिए क्या है C2। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी हो गई। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन। देखो C1 और C2 से जाने वाली लाइन है ना, एक लाइन जो जा रही है स्ट्रेट लाइन, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 इज कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो लाइन कहाँ से जाए, C1 एंड C2 से जाए, उस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब आती है ऑप्टिकल सेंटर। तो इस जो लेंस का जो सेंटर होता है, इस लेंस, ये हमारा पूरा कौन सा लेंस दे रखा है, ये हमें दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो सेंटर उसे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इस कॉनकेव बल केस में ये क्या है हमारा, वो क्या है ऑप्टिकल सेंटर। जो जस्ट जो बीच का पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस डिनोटेड बाई ओ से डिनोट करते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, तो दोनों के लिए क्या एक ही डेफिनेशन रहेंगी, ये वही डेफिनेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगी, वही होगी कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, तो इट इज द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ए ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाई ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल ही कोई कैपिटल ओ कर सकते हो। अपर्चर क्या होता है, तो किसी भी लेंस का जो डायमीटर होता है उस लेंथ को बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, किसी को लेस लेंस इतना बड़ा, उसको जो डायमीटर जो लेंथ है ना उसको बोलेंगे अपर्चर। तो क्या लिख देंगे, इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द डायमीटर ऑफ लेंस कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, किसी भी लेंस का जो डायमीटर जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं अपर्चर। अब लास्ट हेडिंग रह गई क्या, फोकल लेंथ। तो इतना नोट कर लीजिए आप, तो जल्दी से 1 2 3 हटा देते हैं। एक और डेफिनेशन है उसको भी मैं यहाँ लिखा दे रही, फोकल लेंथ इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। तो क्या है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू कहाँ तक, F1 तक। तो लेंथ क्या हो जाएगी, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू प्रिंसिपल फोकस लेंथ इज कॉल्ड एज ए फोकल लेंथ। आप लिखेंगे द लेंथ बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C and O and प्रिंसिपल फोकस कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच की, जैसे ये है यहाँ पर, इसकी और इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। बात समझ में, इसकी उसके बीच की जो लेंथ क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। इसको नोट है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम पहले समझेंगे। जैसे हमने मिरर में पढ़े थे, चार रूल थे ना, फोर रूल्स थे, कुछ इस तरह से हम इसमें थ्री रूल्स को पढ़ेंगे। इनका यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है लेंसेस में, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो पहले हम पढ़ते हैं इसके रूल्स को, फिर हम कंडीशंस को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लेंस में इमेज की फॉर्मेशन होता है, उसको हम समझेंगे। तो पहले क्या उसमें है,
कि कौन कौन से रूल्स हैं। पहला रूल्स का कहता है इसमें कोई लाइट की रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या करेगी, वो पास कर जाएगी, जो कि किस तरफ, दूसरी तरफ, इधर एफ वन होता है इधर एफ टू होता है, वो एफ टू से क्या करेगी, पास कर जाएगी। फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई पैरेलल लाइट की रे आती है फिर कॉन्वेक्स लेंस से उसका अगर रिफ्रैक्शन होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एफ टू से पास कर जाएगी। ऐसे इस केस में इसमें क्या करेगी, जैसे मान लीजिए एक लाइट की रे ऐसी आ रही पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डाइवर्स होगी इसमें, तो अगर उसको हम बैक साइड में वापस इसको बढ़ाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के एफ वन पे जाके वो क्या करेगी, अपीयर्स करेगी। बात समझ में आई? तो दोनों के केस में बस यही डिफरेंस है, पास तो करेगी एफ से, लेकिन दोनों के केस में अलग अलग, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो सेकेंड साइड, अगर वो कॉनकेव है तो जिस तरफ से लाइट आ रही थी उस तरफ क्या करेगी, एफ वन पे क्या करेगी, वो अपीयर्स करेगी, ठीक है। और सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर लाइट की रे एफ से होके जाए, ठीक है, जैसे ये एफ वन है एफ टू है, सपोज दैट कोई लाइट की रे एफ से होके जा रही है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या कर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, उल्टा, जस्ट उसको उल्टा, एफ वन से होके जा रही थी फिर क्या हुआ, उसमें रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही इसमें भी होगा, अगर सपोज दैट ये ओ है, ये बीच का पॉइंट क्या होता था, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, अगर जैसे देखते हैं जैसे लाइट की रे आती है यहाँ से, इधर एफ वन है इधर एफ टू है, अगर लाइट की रे ऐसी आ रही है आपकी, तो आफ्टर क्या होगा, उसमें रिफ्रैक्शन होगा, तो वो इस तरह से आई थी और फिर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बताता है कि क्या, तो जब अगर पैरेलल आएगी तो एफ से गुजरेगी, अगर एफ से गुजरेगी, एफ से आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इस तरह से कुछ, ठीक है। एक और लॉ है, लास्ट लॉ, वो क्या कहता है, अगर लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो बिना कोई डिफ्लेक्शन के वो क्या करेगी, सीधी पास कर जाएगी। अगर लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के दोनों केस में, अगर लाइट की रे क्या करे, ओ से गुजर जाए, तो वो जैसे जा रही थी वो बिना डिफ्लेक्टेड हुए सीधी पास कर जाएगी। क्लियर बात? तो पहला लॉ क्या कहता है, अगर पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर उसका लेंस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो एफ टू से क्या करेगी, वो पास कर जाएगी, सही है। ऐसे कॉनकेव केस में, कॉनकेव में क्या करेगी, वो डायरेक्ट पास तो नहीं करेगी, लेकिन जब उसको पीछे बैक कराएंगे अपीयर्स करेगी कहाँ पर, अब फोकस पे जाएगी, एफ वन, प्रिंसिपल फोकस एफ वन पे जाके क्या करेगी, वो अपीयर करेगी। इसकी जस्ट उल्टा मैं सेकंड वाले में क्या बताया, अगर कोई एफ वन से होके जाएगी फिर क्या होगा, इस पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी वो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी वो। ऐसी कॉनकेव केस में, कॉनकेव में उल्टा होता है, अगर वो एफ टू से क्या करेगी, अपीयर्स कर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ओ से अगर जा रही है तो वो सीधी गुजर जाएगी बिना डिफ्लेक्शन हुए। क्लियर बात? तो ये तीन रूल्स हैं और इन रूल्स को आप डायग्राम समझ लो, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हम लोग उसकी इमेज को बना के अभी देखेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उस पर क्या करेगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है उसको यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मैंने कोई यहाँ पर पहले क्या बनाना है, आपको एक लेंस बनाना है आपको सिंपल, ठीक है। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। फर्स्ट कंडीशन में कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं रखी है बहुत दूर जाके, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर रखी है। इस केस में आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगा वो यहाँ पर देखो, रूल्स का यूज करेंगे हम लोग, जब भी मैंने तीन रूल्स बताए हैं और उनका रूल्स के क्या करके यूज करके हम इसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, F1, ठीक है, F2, 2F2 या फिर C2 बोल सकते हो, 2F1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर रखी है, इसका मतलब पैरेलल रेस आएंगी कहीं यहाँ पर रखी है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर जाओगे, ठीक है, यहाँ से पैरेलल रेस आएंगी कुछ इस तरह से, फिर क्या होगा, लेंस से उनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब मैंने बताया था फर्स्ट लॉ में
कि कोई पैरेलल रेज अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से क्या करती है, पास करती है, तो वो एफ टू से क्या करेगी, पास कर जाएगी इस तरह से। सॉरी गलत हो गया, ये एफ टू इस तरह से, ठीक है। तो अगर कोई पैरेलल रेज आएगी इनफाइनाइट से एफ टू पास कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगी तो उसकी इमेज प्रिंसिपल फोकस यानी एफ टू पर बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल नहीं बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि उसका पॉइंट साइज होगा, दिखाई देगा वो। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नेचर हो जाएगा इमेज का रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, और कहाँ पर बनी, एट एफ टू पर, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल फोकस पर, एट एट प्रिंसिपल फोकस एफ टू। क्लियर हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होती है तो उसका इमेज एफ टू पर बनता है, पॉइंट साइज का होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। सेकंड केस बियॉन्ड टू एफ वन, तो इसका डायग्राम पहले हम लोग इसको क्रिएट करते हैं कैसे। इस तरह से कोई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, सबके डायग्राम पहले हम बना दे रहे हैं, इसका ये बना दे रहा, इसका ये बना दे रहा, इसका ये, इसका ये। तो पहले वाला सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, बियॉन्ड टू एफ वन, तो ये होता है एफ वन, ये टू एफ वन, ये एफ टू, ये टू एफ टू। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, बियॉन्ड टू एफ वन, टू एफ वन से थोड़ा पीछे रखी है। लेट्स से ऑब्जेक्ट रखी है आपकी ये ए बी, कोई ऑब्जेक्ट ए बी टू एफ वन से थोड़ा पहले रखी है, तो यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से, और एक पास करेगी ओ से, ठीक है। तो यहाँ तक वो आएगी, फिर पास करने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ से गुजर जाएगी वो, एफ टू से, ठीक है। तो उसका इमेज कहाँ बना, इसके बीच में, एफ टू और टू एफ टू के बीच में, साइज थोड़ा छोटा बन रहा है ना, डिमिनिश्ड है। तो कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ वन पर होती है तो उसका इमेज क्या होता है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और डिमिनिश्ड होगा, कहाँ पर बनेगा, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड डिमिनिश्ड साइज बना, छोटी बनी है ना, डिमिनिश्ड कहाँ बनेगा, एट बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, ठीक है, एफ टू और टू एफ टू के बीच में बनेगी। क्लियर बात, अब नेक्स्ट आता है एट टू एफ वन, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, टू एफ वन पर रखी हो इस जगह पर, तो ये ओ होगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये भी ओ, यहाँ पर कर दो, ये ओ है, तो ये क्या है, एफ वन, टू एफ वन, एफ टू, टू एफ टू, तो ऑब्जेक्ट रखी है इस जगह पर, ठीक है। फिर क्या होगा, इस पर रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, फिर इमेज पास करेगी ऐसे, और ये ऐसे, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है हमारी, और ये क्या बनी, इमेज ए डैस बी डैस, इसमें ए बी थी, ये बनी ए डैस बी डैस, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट टू एफ वन पर होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, टू एफ वन पर हो, तो उसकी इमेज बनती है टू एफ टू पर, जिसका साइज कैसा होता है, सेम साइज होता है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना, और सेम साइज बनेगी। क्लियर बात, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
क्या है साइज, सेम साइज है। तो इस केस में इमेज कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनेगी रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर, एट 2F2 पर। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो इमेज किस पर बनेगी, 2F2 पर बन जाएगी। लास्ट एक और केस है क्या, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ये O है, ये F1, 2F1, F2, 2F2। तो इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है, F1 और 2F1 के बीच में रखी है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से क्या करेंगे, पैरेलल ले जाएगी इसके एक ऐसी, तो पैरेलल ले जा रही है। फिर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, किससे पास करेगी, इस तरह से पास करेगी F2 पर, ठीक है, F2 से पास कर गई इस तरह से। और ये वाली कहाँ जाएगी, इस तरह से। तो जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होती है AB, तब उसका इमेज बियॉन्ड 2F2 बनता है, 2F2 के पीछे बनेगा इस तरह से, बियॉन्ड 2F2 बनेगा इमेज। देखो, जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में होगी तो उसका इमेज बियॉन्ड 2F2 बनेगा, और साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है, साइज लार्जर हो गया है ना, और रियल है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, नेचर लिख देते हैं यहाँ पर, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, बड़ी है ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड, एंड कहाँ पर बनी, एट बियॉन्ड 2F2 के पीछे बनेगी जाके। समझ में आई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, F1 और 2F1 के बीच में हो, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 के आगे बनेगी, और बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल होगी। क्लियर बात, तो ये चार कंडीशन होगी, इतना नोट कर लो पहले।